हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा मेकअप लुक पिंक ग्लैम सॉफ्ट मेकअप लुक है, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ अब मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये स्किन को फाउंडेशन लगाने से पहले प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेप नहीं करेंगे तो आपका फाउंडेशन केकी लगेगा और फाउंडेशन को बिल्कुल स्किन टाइप का दिखाएगा मॉइस्चराइज़र। इसलिए हम लगाएंगे अच्छे से अपनी स्किन पे। और अब हम लगाने वाले हैं प्राइमर, वो भी मार्स का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हम इसे अच्छे से हाथों की मदद से अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पोर्स ब्लर हो जाएं। एंड नेक्स्ट मैं लगाने वाली हूँ ग्लैम 21 का फाउंडेशन, वो भी विद द हेल्प ऑफ माय ब्रश। तो अब हम इसे अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेंगे ताकि कहीं भी जो है फाउंडेशन बचा ना रह जाए। अच्छे से बिल्कुल ग्लाइड हो रहा है फेस पे, क्योंकि हम लोगों ने प्राइमर लगाया था, तो प्राइमर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्रश की मदद से। अब मैं इसे नेक पर भी अप्लाई कर लूंगी अच्छे से, ताकि जो है हमारा फेस और नेक का दोनों का सेम ही लगे स्किन, कोई भी अलग ना लगे। और हाथों की मदद से भी ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं लगाने वाली हूँ 7C's का कंसीलर, क्योंकि कंसीलर हमारे डार्क सर्कल को हाइड कर देता है और जो भी पिगमेंटेशंस वगैरह आपके फेस पे होते हैं उसे भी जो है हाइड कर देता है। अब मैं ब्रश की मदद से अपनी स्किन पे अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लगाएंगे आई शेडो। तो आई शेडो पैलेट मैंने ले लिया है और अब हम इसमें से कोई एक शेड पिक करेंगे। मैंने ये वाला शेड लिया है और मैं अपने आईलिड्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। अच्छे से मैं इसे मर्ज करूँगी। अब मैं इसी शेड को लेकर के दूसरे शेड को लेकर के, ये पिंक कलर है, डॉल पिंक नाम है इस शेड का। अब इसी कलर को लेके मैं अपने आईलिड्स पर लगा लूँगी, इस दूसरे कलर को लेके और अब मैं इसी शेड को अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर लूँगी थोड़ा अच्छा लुक आने के लिए। तो इसे अच्छे से लगा लिया मैंने। अब ये शिमर शेड पिंक कलर का लेके मैंने अपने आईलिड्स पर पिक कर लिया है ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए, थोड़ा सा शिमरी लुक आ जाए। आप इसे वेडिंग वगैरह में भी इस मेकअप को आराम से कर सकते हैं। तो अब हमने शिमर जो है लगा लिया अपने आईलिड्स पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, हम इसे अप्लाई कर लेंगे। अब हम लगाएंगे काजल, ये लैक्मे का काजल है और इसे हम अच्छे से अपने लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि काजल से आंखें और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। वैसे तो मुझे काजल से एलर्जी है, बट फिर भी मैं लगाती हूँ काजल। अब दुनिया का सबसे मुश्किल काम आईलाइनर लगाना। वैसे तो मैंने 7C's का आईलाइनर यूज़ किया है, अब देखिए ये सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है और इसी में सबसे ज़्यादा लेट होता है। पता नहीं हम इसे लगा पाएंगे। चलो, मिशन सक्सेसफुल हुआ। अब हम इसे बहुत अच्छे से लगा चुके हैं आईलाइनर को भी। अब हम लगाने वाले अम्यूरा का मस्कारा, क्योंकि मस्कारा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कारा से हमारी आंखें खुली खुली सी लगती हैं और बहुत अच्छी दिखती हैं आईज हमारी। तो हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपने लैशेस को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। ये आँख तो बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा। मेरे लैशेस थोड़े से थिक है तो मैं अपने हाथों से ही कर लूँगी। तो अब मैं दूसरे आँख में लगा के आ गई। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है दोनों आईज, और जो है मैंने जादू कर दिया। अब मैं लूज पाउडर लगाने वाली हूँ पॉन्ड्स का पिंक, बहुत पसंद है मुझे, वो भी 100 रुपीज़ में मिलता है, थोड़ा सा मैं इसके लिए सॉरी। तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि जो है केक ही ना लगे हमारा मेकअप और सेट हो जाए। स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग को कम करने के लिए, स्वेटिंग ना आए इसके लिए आप पाउडर से अच्छे से सेट कर लो अपने पूरे स्वेटिंग वाले एरिया को। अच्छे से इसे अप्लाई कर देंगे।
एंड हम लगाएंगे ब्लश, और ब्लश के लिए मैंने लाइट पिंक सा शेड अप्लाई किया है ताकि हम थोड़ी सी क्यूट लग सकें, क्योंकि ब्लश के बिना मेकअप अधूरा है। तो हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ताकि थोड़ी सी क्यूट लगे। और अब हम लगाएंगे मास्क का हाइलाइटर। अपने हाथों की मदद से ही मैं अप्लाई कर लूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब हेल्दी सा ग्लो आ जाता है हमारी स्किन पे। तो हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हाथों की मदद से ही। तो अब हम लगाएंगे लिप लाइनर। तो मेरे पास लिप लाइनर तो नहीं है, तो मैं ब्राउन काजल अप्लाई कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का। तो हम अच्छे से लिप्स को लाइन कर लेंगे। तो अब मैं लगाने वाली हूँ पिंक कलर की लिपस्टिक, और अब हम लगाएंगे ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे ताकि हमारा मेकअप लॉक हो जाए। और हमारा मेकअप लॉक हो चुका है। सॉरी, मैंने आप लोगों को लिपस्टिक वाला क्लिप नहीं दिखाया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। वैसे आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप, और सबसे पहले तो कमेंट ज़रूर करें मेरे वीडियोस पे। एंड बाय।